Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School, Nichlathada. आज हम political parties के challenges के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आ जाता है हमारा lack of internal democracy. Students, कोई भी political party की अगर आप बात करेंगे तो उसमें कुछ important leaders होते हैं जो पूरी की पूरी political party को dominate करते हैं. मतलब बाकी जो छोटे मोटे बंदे होंगे, members होंगे उस political party की, उनकी तो कहीं चलेगी ही नहीं. जो भी decision लेना होगा वो उन्हीं major जो leaders होंगे उस political party की वो ही लेंगे. बाकी सिर्फ पीछे पीछे चमचे चलते हैं. तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ख़राब होता है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ हर एक को बराबर का हक मिले. तो यहाँ पे हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है. सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. नेक्स्ट कम्स डिनेस्टिक सक्सेशन. इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी. कल हमने बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में. आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो कहाँ से थे, INC से थे. उसके बाद इंदिरा गांधी और भी मेजर लीडर्स जो आए, जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे के सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो इससे क्या होता है, जो कुछ ऐसे लीडर्स, ऐसे मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो और वो उनसे भी बेहतरीन सरकार चला सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता. स्टेट लेवल की, अपने यूनियन टेरिटरी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसने शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला क्योंकि उनके बेटे थे तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए जम्मू कश्मीर के. उसके बाद उमर अब्दुल्ला, वो क्योंकि उनके बेटे थे वो बन गए. वैसे ही PDP की बात करें तो मुफ्ती सईद साहब पहले वो थे, उसके बाद उनकी बेटी आ गई महबूबा मुफ्ती. ये सब आ जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन में, जो कि एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. नेक्स्ट कम्स मनी एंड मसल पावर्स. स्टूडेंट्स, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लॉन्ग रूट अपनाती हैं, यानी कि लोगों को सर्व करना, मदद करना, लोगों के दिलों में जगह बनाना. कुछ क्या करती हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाती हैं विद द हेल्प ऑफ मनी एंड मसल पावर, यानी कि मार पिटाई, गुंडागर्दी करके पैसे वगैरह लेके, या किसी ऐसी पार्टी को, किसी ऐसी दूसरी पार्टी को अपने साथ जोड़ के जो उनको फिनेंशियली सपोर्ट करें. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. स्टूडेंट्स, आज की डेट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबकी ऑलमोस्ट सेम ही आइडियोलॉजी है. सब कहते हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे, गुंडागर्दी कम कर देंगे. मतलब एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सेम आइडियोलॉजी, सबका सेम ही. तो लोग जो होते हैं, जो लेमैन होते हैं, जो आम आदमी होता है, उसको लगता है कि सभी सेम है तो किसको वोट दे. तो वो ऐसे ही, मतलब चॉइस इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, मीनिंगफुल चॉइस जो है वो इतनी ज़्यादा रहती नहीं है. और दूसरी बात, आज की डेट में 3 या 4 ही नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं. वैसे तो देखा जाए लास्ट इलेक्शंस में टफ कॉम्पिटिशन किसके बीच में था, BJP और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में. कांग्रेस में बहुत ज़्यादा वीक ही था, लेकिन फिर भी अगर कोई सेकंड ऑपोजिशन कोई था तो वो कांग्रेस ही था. तो यहाँ आ जाता है हमारा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर क्लोज करती हूँ. कल हम मिलेंगे इस चैप्टर को के लास्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.